फैमिलीज कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैरियत से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल अलियास, मतलब फिर से आपका वेलकम है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है 14 अगस्त का दिन बहुत ज़्यादा नज़दीक है और लोग तरह तरह की जीती और तरह तरह के वीडियो बना रहे हैं, तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे काफी मैसेज है कि यस भी हमें 14 अगस्त के लिए कोई ट्यूटोरियल दे, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों बस आपको इस वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, वीडियो को जरा स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। और दोस्तों इस वीडियो में जिसमें डिटेल का यूज करने वाला हूँ, लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो इसलिए आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को हम काइन मास्टर से बनाने वाले हैं, तो काइन मास्टर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखने। दोस्तों 14 अगस्त का दिन आ रहा है तो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना हमारा फर्ज है, तो दोस्तों हम सब मिलकर नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखेंगे। तो जल्दी से दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो भी कर दे लाइक और चैनल कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों बिना बहस के अपने बैल स्क्रीन तरफ चलते हैं। तो लेट्स मूव। दोस्तों मैं बैल स्क्रीन तरफ आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से पिक खींच लेनी है। पिक खींचते वक्त दोस्तों आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपके पीछे ज्यादा सामान और ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको बैकग्राउंड मूव करने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पिक खींचने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपलोड इमेज में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे गैलरी में, और दोस्तों हम उस पिक को सिलेक्ट करेंगे जो आपने खींची होगी। तो मेरी ये पिक इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको कर देंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे बैक और काइन मास्टर को ओपन करेंगे। काइन मास्टर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेना है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ जाएंगे न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद दोस्तों हमें इस फ्रेम को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देंगे क्रिएट। इसके बाद दोस्तों इस पिक को सिलेक्ट करेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इसके बाद दोस्तों एक मतलब हम इस पिक पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे जूम में, और यहाँ से एक मतलब क्लिक कर देंगे इसको, दो फिंगर से कर देंगे जूम, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक और इसके लाइन को तकरीबन 12 सेकंड तक कर लेंगे। तो इसको 12-13 सेकंड तक कर लिया है, यहाँ से कर देंगे बैक। बैक करने के बाद दोस्तों वीडियो को शुरू में आएंगे और यहाँ से जाएंगे लेयर में। लेयर में जाने के बाद दोस्तों गैलरी में जाएंगे और उस पिक को सिलेक्ट करेंगे जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मेरी ये पिक है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा सा कर देंगे जूम, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों का लेंथ भी हम वीडियो के आखिर तक कर लेंगे जितना हमारा बैकग्राउंड होगा। इसके बाद दोस्तों वीडियो को शुरू में आएंगे और यहाँ से कर देंगे बैक। अगेन हम लेयर में फिर जाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपने इस मास्क वाले जो सी पिक है इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा कर देंगे बड़ा और उसको अपने फेस पर रख देंगे। ये करने के बाद दोस्तों इस मास्क वाले पिक का भी लेंथ जो है हम आखिर तक कर लेंगे जितना हमारा बैकग्राउंड होगा। इसके बाद दोस्तों वीडियो को शुरू में अगेन फिर आएंगे और यहाँ से कर देंगे बैक, और लेयर में फिर जाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे। और दोस्तों यहाँ से इस वाली पिक को सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा कर देंगे जूम और उसको ला के इधर टेबल पे रख देंगे ऐसे। इसके लेंथ भी हम वीडियो के आखिर तक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम वीडियो को शुरू में फिर आएंगे और यहाँ से जाएंगे लेयर में, अगेन गैलरी में फिर जाएंगे। दोस्तों इस बैच को सिलेक्ट करेंगे, बैच को सिलेक्ट करने के बाद उसको कर देंगे छोटा और उसको ला के अपनी वॉच पे रख देंगे, और इसका लेंथ भी हम वीडियो के आखिर तक कर लेंगे। इसके बाद अगेन वीडियो को शुरू में फिर आएंगे और यहाँ से कर देंगे बैक, अगेन लेयर में फिर जाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस पिक को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा कर देंगे छोटा और इसको ला के इधर रख देंगे। ये करने के बाद दोस्तों इसका लेंथ भी हम वीडियो के आखिर तक कर लेंगे। अगेन वीडियो को शुरू में फिर आएंगे और यहाँ से लेयर में फिर जाएंगे, फिर गैलरी में जाएंगे। और दोस्तों इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इस वीडियो में जो फालतू का हिस्सा होगा उसको हम डिलीट कर देंगे। सबसे पहले हम वीडियो में थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ से हमारी वीडियो शुरू होती है। तो दोस्तों तकरीबन हमारी वीडियो इधर से शुरू हो रही है, तो एक मतलब इस वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ से जाएंगे कैंची वाले ऑप्शन में, यहाँ से कर देंगे ट्रिम टू लेफ्ट और यहाँ से कर देंगे बैक। इसको फिंगर से प्रेस करेंगे और पीछे को ले जाएंगे जहाँ पर हमारी वीडियो है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से नीचे जाएंगे, क्रोमा की वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिंपली आप इसमें जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसको कर देंगे ऑन, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसको। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक और इसको कर देंगे जूम और इसको ला के इधर रख देंगे ऐसे, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ आपने यहाँ से जाना 3 डॉट में और इसको सेंड टू बैक कर देंगे और यहाँ से कर देंगे बैक। इसके बाद वीडियो को शुरू में अगेन फिर आएंगे, दोस्तों यहाँ से जाएंगे लेयर में, लेयर में जाने के बाद दोस्तों हम गैलरी में फिर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस पिक को सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको ला के इधर रख देंगे, थोड़ा सा कर देंगे जूम। और इसका लेंथ भी हम वीडियो के आखिर तक कर लेंगे। अगेन वीडियो को शुरू में फिर आएंगे और यहाँ से जाएंगे लेयर में, लेयर में जाने के बाद दोस्तों हम गैलरी में जाएंगे। और दोस्तों इस वाली वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ओके। ये करने के बाद दोस्तों हम यहाँ जाएंगे क्रॉप में, क्रॉप में जाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे, जो वाइट वाइट लाइन है इसको हम क्रॉप कर देंगे इतना।
ये करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे बैक, और यहाँ से दोस्तों हम सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली हम ब्लेंडिंग में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों इसको कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद दोस्तों पकड़ेंगे इसको, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों हमारी वीडियो बनके तैयार हो चुकी है, तो मैं वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर वीडियो भी आप तक आराम से पहुंच सके। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।